अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चाशनी। तो हमने ये वाले कप से 2 कप शुगर लिया है। 1.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर हम 2-4 इलायची पाउडर डाल रहे हैं। केसर का धागा हो अगर आपके पास वो डाल सकते हैं, ना हो तो नहीं डालना। अब बॉईल होने तक हमें पकाना है। अब चाशनी को हमें 10 से 15 मिनट तक लो आंच में पकाना है। इससे पहले हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम 1/2 लेमन डाल रहे हैं। लेमन इसलिए डाल रहे हैं कि जो चीनी हमारी जमे ना सिरप में। चाशनी हमारी रेडी है। 10 से 15 मिनट हुआ है, हमने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पर हमें गुलाब जामुन का आटा गूंदना है। हम यहाँ पर 1 कप दूध से गूंदेंगे। आटा को हमने गूंद लिया है। 10 से 15 मिनट हमने गूंदा है। जितना गूंदेंगे उतना ही अच्छा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। हमने आटे से बोल टाइप के इस छोटे साइज से हमने बनाया है, ज़्यादा बड़ा ना रहे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालने वाले हैं। हमें लो आंच में बनाना है, फ्राई करना है। थोड़ा ही थोड़ा ही हम डालेंगे। अब हमारा ये हो गया है गुलाब जामुन। 4 से 5 मिनट तक हमने फ्राई किया है और हमें इसे चाशनी में डालना है। चाशनी हमारी ठंडी है तो ठंडे में डालना, ज़्यादा गर्म ना रहे। यहाँ पर हमारा गुलाब जामुन रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, आपको हम दिखा भी रहे हैं तोड़ कर पूरे अंदर तक। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।